नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। और मैं दीप्ति कंडारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज गांव में शादी है और लड़की की शादी वहाँ पर है, तो सबसे पहले वहाँ पर आज कीर्तन होने जा रहे हैं, यानी कि महिला संगीत, तो वहीं पर मैं भी जाने वाली हूँ। साथ ही कल दुल्हन को बांधे दिए जाएंगे, यानी कि हल्दी हाथ। तो हल्दी हाथ और कीर्तन, ये दोनों ही सेरेमनी आज के वीडियो में आप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही आगे आगे जो भी शादी का कार्यक्रम होता रहेगा वो सब भी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाती रहूंगी। तो फिलहाल आप सब मेरे साथ बने रहें, तो चलते हैं अभी गाँव की तरफ। तो चले बस बोर्ड हो चुके लगो कीर्तन उन्या उस तरफ आप लोग देख सकते हैं, वो है शादी वाला घर और कीर्तन वहाँ पर हो गए हैं शुरू। चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ तक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कीर्तनों के बाद आरती भी हो गई है और अब यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है। तो चलिए मैं भी लेती हूँ प्रसाद। जो हमारे घर हो गए, लड़की की शादी हो रही है भाई, प्रसाद मार रहे हम। दोस्तों, महिला संगीत यानी कि कीर्तन में प्रसाद के बाद अब मुझे मिल गई है ये गर्मा गर्म चाय यहाँ पर, साथ में ये प्लेट जिसमें कि कुछ मीठा और कुछ नमकीन यानी कि जलेबी, नमकीन, बिस्किट वगैरह रखे गए हैं। तो चलिए लेते हैं अब गर्मा गर्म चाय के साथ मीठे और नमकीन का भी आनंद।
दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज दुल्हन को हल्दी लगनी है, यानी कि हल्दी हाथ है आज। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरह से दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। और साथ ही शाम को यानी कि रात को न्योतेर हैं, जितने भी लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो वो सब भी आप लोग मेरे साथ देखते रहें। तो चलिए अभी चलते हैं पहले गाँव की तरफ फिर से। दोस्तों गांव में पहुंचते ही यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दुल्हन को हल्दी लगनी शुरू हो गई है, यानी कि बांधे देने यहां पर शुरू हो गए हैं। तो ये है दुल्हन और दुल्हन का नाम है अंजलि। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, यानी कि बांधे दिए जाते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ लोगों ने बांधे दे दिए हैं और कुछ लोग देने वाले हैं। तो दुल्हन के चारों तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दुल्हन की सभी सहेलियाँ हैं, तो ये लाइन में अभी खड़ी हैं। तो इन्हें भी अभी बांधे देने हैं और उसके बाद मंगल स्नान होगा। तो चलिए तब तक आप लोगों को लिए चलते हैं दूसरी तरफ। और यहाँ पर हो रही है ये खाने की तैयारी शुरू। तो अभी यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ काटी जा रही हैं और इधर पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है और येलो कुर्ते में आप देख सकते हैं तो ये दुल्हन के चाचा हैं और साथ में ताऊ जी भी हैं। चलो धन्यवाद। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खाना बनने के बाद खाना शुरू भी हो गया है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ से खाना लेते हैं और खाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये ग्रीन कलर के कुर्ते सलवार में दुल्हन की चाची हैं और ये मम्मी भी आ गई हैं येलो कलर की साड़ी में और इधर भाई अमन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुल्हन के मम्मी पापा हैं और उधर स्काई ब्लू कलर की सूट में दुल्हन की ताई और इधर येलो कलर की सूट में दुल्हन की बुआ जी बैठी हुई हैं। तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और बाकी परिवार वाले शायद मुझे लगता है काम में होंगे। तो चलिए जो भी मुझे दुल्हन के परिवार वाले दिखाई देते रहेंगे उनसे मैं आपका परिचय करवाती रहूँगी। और ये मैंने भी ले लिया है खाना, तो चलिए मैं भी करती हूँ अब अपना खाना शुरू। सवास मरना।
काफी अच्छा। शादी का खाना और लोग जो है ग्राम सभा के बिल्कुल आनंद से हैं। इस प्रकार की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, सब कारोबार बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बढ़िया खाना भी अच्छा बना रखा है, गांव वालों का पूरा सही हो गया। और दोस्तों यहाँ पर दुल्हन के ताऊ जी हैं, तो सभी गांववासियों को वो धन्यवाद कह रहे हैं कि सबने यहाँ पर मिलकर शादी में जो भी काम होता है उसे बहुत अच्छे से किया है, साथ ही खाना भी बहुत अच्छा बना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अब मिलूंगे आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि अब यहाँ पर रात को न्योतेर हैं और कल यहाँ पर बारात आएगी और कल ही विदाई भी है। तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर आप लोग जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।